Hi guys, नमकीन सर टीम हियर. दिस इज मी सहरिश. माय नेम इज सादिक. सलीमा. और आज हम क्या करने वाले हैं? लगदी लाहौर दी स्ट्रीट डांसर का गाना कि जो गुरु रंधावा का सॉन्ग है जो 2 साल पहले वैसे कि वो तो रिलीज हुआ था. हां हां लाहौर वही है वही है. जो टी सीरीज सॉन्ग था जो अब है ना इन लोगों ने इस मूवी में ये डाला है ये सॉन्ग. अच्छा मैं देख रहा हूं स्ट्रीट डांसर में ज्यादातर गाने वही है थोड़े रीमेक टाइप. हां रीमेक टाइप क्योंकि मुकाबला मुकाबला था और एक ये है और आई एम नॉट श्योर कोई और गाने कौन से इसमें. नहीं गर्मी सॉन्ग भी नहीं था इसमें. रीमेक नहीं था और एक और भी सॉन्ग में दो रीमेक हुए हैं. दो हैं पर ये मूवी का गाना बहुत अच्छा था. आई थिंक वो भी गुरु रंधावा ने गाया था. हां ये और गुरु रंधावा का ही सॉन्ग है. तुलसी कुमार ने गाया है. हां तुलसी कुमार और गुरु रंधावा. पूरा लंदन हिलता हिले जो तेरा लक सोनी मुंडेंगी हस सोनी ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ पर बच भी ना पावा की करा वैसे भी इसका डांस काम स्टैंडिंग हो रहा है. होर कुछ बाकी कहने को तो चल दस सोनिए ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਾਓ ਸੈਨ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. मुझे खास जो उसकी अभी तक लगी है ना मतलब नाम फिल्म का स्ट्रीट डांसर है. हाँ. डांसिंग पे बहुत फोकस बहुत अच्छे मूव्स है सबके और मतलब हालांकि लोग एक्टर्स है मतलब श्रद्धा कपूर और वो वरुण धवन और लेकिन सबने इतनी मेहनत की है ना डांसिंग पे बहुत अपने अब तो वो लोग डांसर भी हो गए वैसे. मतलब हर साल वो मेहनत करते पर यू नो व्हाट हर साल लोगों को नया चीज चाहिए होती है. अब एक एक चीज दिखाते हैं तो भाई वही होगा वही डांस है वैसा ही है. तो इन्होंने इस बार नई स्टोरी नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी इन्होंने इस बार लिए कि पाकिस्तान और इस सब के इस कॉन्सेप्ट से लेकर लिए और डांस भी इस बार बहुत अच्छा लिया चाहे वो कॉम्पिटिशन से बेस करता हो या ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स में या ऐसे कोई गाना हो या लव स्टोरी बता रहे हो जैसे दोनों की उसमें बहुत अच्छा डांस किया है लोगों ने. बिल्कुल मैं कभी कभार ये सोचता हूँ हम लोग आपस में जब डिस्कशन कर रहे होते हैं हम लोग के लिए कितना इजी हो जाता है इनको क्रिटिसाइज करना कि इनके लिए इतना इजी है एक्टिंग करना है वो. लेकिन हम ये भी देखें कि मतलब इनकी डिमांड चेंज होती रहती है. कभी इनको डांस भी करना है कभी एक्शन भी कर रहे हैं कभी बहुत यू नो सीरियस फिल्म भी करनी है मतलब अलग अलग चीजों पर इनको फोकस करना है. Even though they are professionals, but it's not easy. हमारे लिए बोलना easy है. Appreciate करना चाहिए यार. ये तो हमारे यहाँ की country में problem है. Appreciate नहीं करते. आप पीछे उसका struggle तो देखो कि उसने कितनी मेहनत की अब इतना यानी चोटे वगैरह खा के लगते भी है यार कोई आसान थोड़ी है. इतनी ज़्यादा हड्डियाँ टूटती हैं लोगों की इतना ज़्यादा होता है. इनफैक्ट अभी बीच में ही मैं बिग बॉस उसमें भी सलमान खान ने यही कहा था कि हमारी तो हड्डियाँ टूटी है हम फिर भी शूट पर जाते हैं और काम करते हैं. शाहरुख खान के बारे में था कि उसकी
थी, कितनी सर्जरीज होती थी, कितनी इंजरीज होती थी उस बेचारे को, वो फिर भी एक्टिंग करता था और मतलब वो ब्रेक नहीं लेता था उस दौरान. मैं 90s में आई थिंक पढ़ा था, 90s में मैं 2000 में उसको बहुत इंजरीज होती थी. अमिताभ बच्चन को एक बार 80s में हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर मतलब फॉरन फिट डेफ में आ गए थे. मतलब उसके बाद फिर भी लोग बुरा कहते थे, अजीब बहुत बुरा लगता है यार, बुरा लगता है, बुरा नहीं कहो उनको. स्टिल अभी भी ऐसे लोग हैं, करते हैं नेगेटिव, यानी सोचते हैं, जज करते हैं, यानी ठीक है अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप बुरा तो नहीं बोलो, आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो. एग्जैक्टली. और ये काफी टफ चीज है, इतना आसान नहीं है. हमारे लिए बोलना बहुत इजी है, पीछे जो उसके मेहनत लगती है ना, हमारे लिए देखना बहुत इजी है. गाना चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन उसके पीछे आप बैकएंड पे देखें और यहीं पे आप देखें इतने सारे लोगों के नाम इन्वॉल्व होते हैं. ये गिनी देखो, हमारे लिए कितना था देखना, कितना टाइम गया, सिर्फ हां 2.5 मिनट गया. हालांकि इनके लिए तो कितना प्रैक्टिस करते हुए, वेरी टफ, बिना कि कोई डे को ऑफ करते हुए ये लोग प्रैक्टिस कर करके, और कितने रीटेक्स होते हैं उसमें. हां, वेरी टफ. सो हमने तो एंजॉय किया, हमारे सब्सक्राइबर ने भी डेफिनेटली एंजॉय किया होगा. अगर आपको हमारे ये रिएक्शन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.